नमस्कार, नीतू का ढाबा यमी लेशियस में आप सबका स्वागत है। मेरी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। तो ये है आज की हमारी रेसिपी, साबूदाने की खट्टी मीठी खिचड़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी, काफी ही यूनिक रेसिपी है। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी यूनिक रेसिपी है। ये है हमारी खट्टी मीठी साबूदाने की खिचड़ी। जी हाँ, साबूदाने की खिचड़ी हम फास्ट में खाते हैं और कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये वाली जो खिचड़ी है ये हम बिना फास्ट के भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए ये कटा हरा धनिया। अब ये जो नमकीन है ये है पंजाबी तड़का, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। साथ ही हमें चाहिए पीसी हुई चीनी, थोड़ी सी लाल मिर्च करीबन आधा चम्मच, कटा हुआ नींबू और ये एक कटोरी साबूदाना है जो मैंने रात भर भिगोया था। और भिगोने के बाद इसको मैंने कढ़ाई में हल्का सा घी डाल के और हल्का सा नमक डाल के बस सौटे कर लिया है। तो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ये जो रेसिपी है बहुत ही क्विक बनती है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ साबूदाना ही भिगो के रखना है, वो भी बिल्कुल आप ज़्यादा पानी में मत भिगोइए, हल्का सा ही पानी होना चाहिए। तो देखिए अब ये जो हमारा साबूदाना है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये नमकीन डालेंगे। मैं आधा नमकीन डाल रही हूँ, ये डाल लिया। और ये है चीनी, तो इसमें हम ये एक चम्मच चीनी का पाउडर डाल देते हैं। और ये हमारी लाल मिर्च पाउडर, तो ये भी हम आधी चम्मच के करीबन डाल देते हैं। साथ ही हम इसे इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे। ये देखिए मैंने आधी कटोरी हरा धनिया डाल दिया है। और जो ये नींबू काट के रखा है इसका हमें जूस डालना है। तो ये लीजिए, ये मैंने एक नींबू का जूस इसमें डाल दिया है। और बस करना क्या है, मिक्स 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 एंड इट्स रेडी। बस आपको इसे मिक्स करना है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप साबूदाना पहले से ही कढ़ाई में मतलब नमक डाल के बना के रख सकते हैं, और बनाते टाइम अगर साबूदाने को आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा हल्का सा गर्म होगा तो टेस्ट और अच्छा लगेगा, गर्म गर्म साबूदाना ठंड में। तो बस देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। तो आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, फ्रेंड्स मैं आपसे पर्सनली कहूंगी कि ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही क्विक बनती है। आप इसे जब चाहे खा सकते हैं, अपनी किटी में भी बना सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा नमकीन और डाल देते हैं और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं। तो ये हमारी साबूदाने की खट्टी मीठी खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इंतज़ार किस बात का, बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए ये आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।